आप सभी को मेरा आकृति चैनल में स्वागत है। आप में से कईयों को मालूम होगा कि मेरा ड्राइंग एंड क्राफ्ट का भी चैनल है, पर यह मेरा पहला पोस्ट है मेरे छोटे से बालकनी गार्डन का। मुझे उम्मीद है जिस तरह आप लोगों ने मेरे ड्राइंग एंड क्राफ्ट चैनल को सराहा है, उसी तरह आप मेरा गार्डन चैनल को भी पसंद करेंगे। मुझे ड्राइंग के अलावा गार्डनिंग का बहुत शौक है, पर कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। पर बहुत लोगों को कहने पर मुझे लगा कि मुझे गार्डन के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए। मेरे बालकनी में बहुत जगह तो नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश की हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हर वैरायटी के प्लांट्स लगा सकूँ। मैंने अपने घर के लगभग हर कोने को प्लांट से सजाया है और इस लॉकडाउन में मुझे अच्छा खासा समय भी मिल गया मुझे मेरे प्लांट्स की देखभाल करने की। मुझे मेरे सारे प्लांट्स बहुत पसंद है, पर कुछ मेरे बहुत खास हैं, जैसे एलमंडा का प्लांट जो येलो कलर के फ्लावर देते हैं। इसमें पिंक भी आते हैं पर मेरे पास येलो का है। और फिर मधुमालती का प्लांट जिसे इंग्लिश में रंगूर क्रीपर भी कहते हैं, एक्जोरा का प्लांट जो गुच्छों में फूल देते हैं, फिर कई वैरायटी के कई कलर के मेरे पास मनी प्लांट भी हैं, ये सब मैं लगा रखी हूँ। मैं ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन के रूप में बना रही हूँ। डिटेल इसमें पूरा नहीं मिलेगा, पर आपको अगर पसंद आए मेरा ये वीडियो तो मैं सभी प्लांट्स के ऊपर एक एक करके वीडियो बनाऊँगी। उनका देखभाल कैसे करते हैं, उनको किस जगह रखने से कैसी ग्रोथ होती है, क्या खाद क्या फर्टिलाइज़र उसमें देंगे, ये सब मैं आपको बताऊँगी, जिससे कि आपके प्लांट्स अच्छा खासा चल सके। इसलिए आप लोग अपना कमेंट लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे अपना वीडियो बनाते रहूं और आप लोग कभी प्लांट्स मेरे प्लांट्स के जैसा हरा भरा रहे। प्लांट्स लगाना तो सभी को आता है, पर उसको किस तरीके से लगाएं, कहाँ रखें, उसकी मिट्टी कैसी हो, उसको कितना पानी कब कब पानी देना, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट्स मर जाते हैं। आप लोग नर्सरी से तो अच्छा खासा प्लांट्स चुन चुन कर लाते हैं, पर घर लाते हैं आप लोग ने कुछ देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद चाहे वो सूख जाते हैं या उसमें कीड़े लग जाते हैं या पूरी तरह से मर जाते हैं। ये सब क्यों होता है, ये सब जानना आपको ज़रूरी है, ताकि आप प्लांट्स की केयर अच्छे से कर सकें। प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग कैसे की जाए, ये जानना भी ज़रूरी है। कई लोग प्लांट्स को गलत तरीके से या गलत जगह से कट कर देते हैं, जो भी एक रीज़न है प्लांट्स के मर जाने या सूख जाने का। ये सब मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगी हर वीडियो में अलग अलग करके। ये सब जब आप लोग को अच्छे से मालूम हो जाएगा तो आपके प्लांट्स कभी नहीं मरेंगे और सालों साल चलेंगे। और सभी तो बहुत ही अच्छे, अभी तो बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम, जिसमें प्लांट्स की देखभाल कम से कम की जाती है और अच्छा खासा प्लांट्स की ग्रोथ भी होती है, कम केयर करनी पड़ती है। पर फिर भी आप प्लांट्स में पानी इस समय देंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट्स गल सकते हैं या उनकी रूट उनकी जड़ें सड़ जाएंगी। पर इस मौसम में एक बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि प्लांट्स में फंगस ना लगे, क्योंकि अभी इस मौसम में प्लांट्स में फंगस लगने का सबसे बड़ा रिस्क होता है, तो हमें ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। और कौन कौन सा स्प्रे करना है, कब स्प्रे करना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट्स में कीड़े लगते रहेंगे और हमें कई बार मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि जड़ों को खाते रहते हैं कीड़े, ऊपर से प्लांट्स हरे भरे दिखते हैं। ये सब जानना ज़रूरी है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इसलिए आप लोग अपना कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट में बताएं कि मैं आप लोग क्या जानना चाहते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं।